या मेरे को यस सर यस सर कुछ सवाल पूछने को, कुछ चीजें क्लियर नहीं है जी सर। तो अभी आपका एक रेस्टोरेंट जी यस सर, आप महीने की 5.5 लाख की सेल करते हो जी, ये तो कुछ भी नहीं हुआ सब। अभी एक आउटलेट से है वो, एक आउटलेट के लिए भी क्या हुआ, आप कहीं पे भी शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, मॉल रोड होती है yes, जी, जी। मॉल रोड की कॉर्नर पे एक बंदा होता है, मैगी बेच रहा होता है और अंडे बेच रहा होता है और कॉफी बेच रहा होता है yes। मैं आपको बता सकता हूँ उसकी सेल 10 लाख रुपए की होती है महीने की जी। तो आपने ऐसा मैगी के साथ क्या उखाड़ लिया कि वो कोई जो हिमाचल में देख रहा है ये शो, उसको लगे यार ये सही है, इनको 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिल गई। 10 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना जी। तो समझ नहीं आया मेरे को, आपका नंबर समझ नहीं आया, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? नहीं सर, अभी ऐसा है कि मार्केट अभी एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट जी मैम, दिस इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, डिलीशियस, थैंक यू, थैंक यू। मैंने तीनों चीजें ट्राई किए हैं, इट्स रियली गुड, थैंक यू, थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, तो जैसे मार्केट अभी धीरे धीरे खुल रहा है, और अर्लियर सेल्स विद दिस स्टोर इट वॉज 9 लाख to 10 लाख rupees पर मंथ, बट ठीक है पैंडेमिक की वजह से हमने बंद किया। पर आप मेरे को एक बात बताओ, आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है? बिकॉज आप में तो इसमें QSR भी कुछ नहीं है, आपने कोई असेंबली लाइन नहीं लगाई, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ प्रोसेस का। SOPs हैं सर, बट हाँ ये ऑब्वियसली ये हाँ कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ या मेरे को ये लगता है कि आपका ना एक ऑब्सेशन है मैगी को लेके, और मैगी कंफर्ट फूड है, बट मेरे को समहाउ इसको एक बिजनेस में ट्रांसलेट होते हुए कहीं पे दिख नहीं रहा, कोई नंबर्स है नहीं, एक रेस्टोरेंट, तो मैं एटलीस्ट इससे बाहर होना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बट सर एक बार फूड ट्राई कर लीजिए। मैं खा लूंगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है अब। थैंक यू। आपको मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी पता है? मतलब आपको पता है ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो एक रेस्टोरेंट से शुरू हुए थे जी, फिर वो एक्सपैंड करते गए चेन बन जाते हैं जी। और उसमें पता है कॉमन क्या होता है कि आप उसको एक प्रोसेस में डाल सको जी। SOP से प्रोसेस नहीं बनेगा जी। आपकी ब्रांडिंग बहुत सॉलिड है, हंग्री हेड इट्स अ वेरी नाइस नेम। अगर ये मेरे को जोमेटो या स्विगी पे देखेगा ना, तो मैं खोल के देखूंगा कि भाई इसका मेन्यू क्या है। बट इसको आप जैसे मैगी में भी होता है, आप डिलीवरी जब आप करते हो तो 5 मिनट बाद मैगी का केक बन जाता है, आपने देखा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? सर हमारा जो बाउल है उसपे सील हो जाता है, तो 30 मिनट्स तक मैगी वैसे उसी टेम्परेचर पे मेंटेन होती है। रेस्टोरेंट से आप 5 लाख करते हैं और उसमें वहाँ पे जो आके खाते हैं वो कितना है, डिलीवरी कितना है? 80% इज डाइन इन, डिलीवरी इज 20%। एंड डिलीवरी इतना 1 लाख हम मंथ ऑन स्विगी तो बहुत कम है, आपको ये नहीं लगता कि 1 लाख हो रहा है मतलब इट इज के प्रोडक्ट और मार्केट का फिट थोड़ा बैठ नहीं रहा है? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका प्लान क्या है। आपकी जो स्ट्रेंथ थी टू स्टार्ट विद मैगी इज नाउ बिकम योर वीकनेस, तो अभी आपकी जो स्पेशलिटी थी उससे आपका बिजनेस बन नहीं पाएगा, और जो आप बन रहे हैं एक जनरल रेस्टोरेंट उसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। तो भाई जब आप यहाँ आए हो तो आपका प्लान क्या है इसको बड़ा कंपनी बनाने का, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और 50 लाख आप कहाँ डालेंगे? Just added question to that. 50 लाख हम आगे के नए 2 स्टोर और एक सेंट्रल किचन में डालना चाहते हैं। लेकिन क्यों करे भाई, आपका करंट जो रेस्टोरेंट है उसमें से मुनाफा तो कमा नहीं रहे हो आप। इट्स ऑब्वियस 5.5 लाख रुपए में मेरे को रेस्टोरेंट का बिजनेस पता है, यू कैन नॉट मेक मनी। आएगा भी तो 20-25 हजार कमाते होंगे शायद, 2 और रेस्टोरेंट बना के आप और नुकसान करोगे। हमारा मेजर फोकस तो सर आज भी मैगी है, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने जो वेरिएशंस हैं, जो टेस्ट है, वो हमने जो बिल्ड की है, वो ऑब्वियसली मैं ये कंपेयर नहीं करना चाहूंगा किसी के साथ में, मगर एक अलग एक्सपीरियंस हमने दिया है मैगी के फ्लेवर्स को। अरे नहीं भाई, तुम्हारी एक खाली सोफिस्टिकेटेड मैगी की दुकान, तो पैकेजिंग है, ब्रांडिंग, एक्सपीरियंस बेटर है। एक्सपीरियंस भाई, रेस्टोरेंट चलाना ना इजी काम नहीं है जी। रेस्टोरेंट चलाने के लिए तुम्हारे को कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कुछ अलग टेस्ट करना पड़ेगा। शेफ्स रेस्टोरेंट चलाते हैं ना, जो सबसे ज्यादा वही चलते हैं, और आगे फ्यूचर में यही होने वाला है। सो आई पर्सनली फील अभी आपको समझ आना चाहिए कि इस एज में अब ये मैगी का एक बिजनेस किसी को एक स्टोर मैनेजर रख के दे दो चलाने को, आप लोग या तो कोई और बिजनेस कर लो या कोई और नौकरी कर लो, बट इसी पे मत लगे रहो। माय आंसर इज ऑल्सो नो। अर्पेश राहुल, आई लव द टेस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड मुझे लगता है आप में टैलेंट बहुत है। आपको बिजनेस चलाने में अभी थोड़ा और सीखना है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट।
मैं आपको बताता हूँ आपकी सेल्स क्यों नहीं है स्विगी और जोमैटो पे। आप शायद कहना नहीं चाहते, अमन ने पहले ही कह दिया वो मैगी जो डिलीवरी बिजनेस में है ना वो चलने वाली नहीं, इसलिए सब जगह ठेले पे चलती है, वो गरम गरम खाने में ही मजा आता है। तो आपकी मैं सहन शक्ति की दाद देता हूँ, आपने इतना झेला है पिछले 7 साल में और लगे हुए हो, फिर भी अभी वक्त हो गया आप थोड़े सीरियस हो जाओ। आई एम आउट, आई एम सॉरी आई कांट बी विथ यू टुडे, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।